तो ये समझते हैं हम बहुत बड़े बड़े बन गए, परंतु आम लोग तो देखते हैं या आपसे सुनते हैं वो आपके प्रति नफरत करते हैं, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचता है। मैं सांसद तो हुई हूं, परंतु ये बात थोड़ी कड़ी इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूं, इसलिए मेरी भी ये खुशी है कि मैं कम से कम मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को सही बात कह सकूं और उसका लाभ पार्टी को मिले, इसलिए मैंने कहा है निश्चित तौर पर आप उसको अदरवाइज मिले। और मैं चिल्लान जी से भी कहूंगा और आप सभी कहूंगा कि हमारे अंदर की बात कुछ लंबा चौड़ा महासमुह है कांग्रेस पार्टी और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर इस पार्टी के कार्यकर्ताओं में छोटा मोटा मतभेद होता है हम बंद कमरे में नहीं जा सकते, अखबार में नहीं जाए, बाहर दौड़ कर नहीं कहें और अनावश्यक जगह हमारे अनावश्यक तरीके से नहीं कहें, तो हम कांग्रेस को एक कर पाएंगे और मजबूत कर पाएंगे, वरना हम पद लेने के साथ साथ कांग्रेस को बैठे बैठे खा के और उसका नुकसान कर जाएंगे, ये मैं महसूस करता हूँ। मैं सबसे पर पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने के लंबे समय से ट्रांसफरों पर प्रतिबंध होने की वजह से कई हमारे कांग्रेस दल खुद के भी रिश्तेदारों को इधर उधर नहीं करा। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम हमारी पार्टी हमारी नेता और हमारे लोग के लिए नारा लगा, मैं बोलूंगा कांग्रेस पार्टी, आप बोलेंगे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद, कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं के नाम पर तो जोरदार आवाज आ रही है यार, कांग्रेस दोस्तों। यहां उधमपुर से मेरा रिश्ता, बहुत पुराना है और यहां जितने भी बैठे हुए नेतागण दिख रहे हैं वो करीब करीब सब मेरे साथ काम किए हुए या हमने साथ कुछ ना कुछ किसी प्रोग्रामों में काम रहे हैं, तो मेरे को यहाँ ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं दूसरी जगह पर आया हूँ, किसी दूसरे जिले में आया हूँ, मैं मेरे अपने घर के अंदर ही आया हूँ। और इसके अलावा भी आपको पता है कि मेरा रिश्ता यहाँ से दूसरा भी है, पारिवारिक ससुराल का, तो ससुराल के लिए मैं आता रहता हूँ और यहाँ के बारे में मेरे को बराबर राजनीति के अलावा भी सब तरह की जानकारियां मिलती भी रहती हैं, जैसे लोग मिलते भी रहते हैं, कार्यकर्ता भी मिलते हैं और भी बहुत से दूसरे लोग भी मिलते हैं, तो मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं, एक बात ज्यादा सवाल है मेरे को जो जल अभाव अभियोग निराकरण समिति का चेयरमैन बनाने, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी अखिल भारतीय अध्यक्ष सोनिया जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे को ऐसी जिम्मेदारी दी कि जिस जिम्मेदारी के लिए मैं हमेशा से लालायित रहता हूं। ये जिम्मेदारी ऐसी है कि इसमें मैंने जो 40-43 साल कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर कार्यकर्ताओं की तरह काम करके, चाहे मैं वो कितना भी कुछ भी बड़े से बड़ा पद पे बैठा दिया, लेकिन मैंने कभी अपने आप को ये महसूस नहीं किया कि मैं ब्लॉक से भी नीचे का कार्यकर्ता हूं। तो मेरे को ऐसा ही काम दिया गया कि आज मैं मेरे साथियों का ही उनकी ग्रीवेंसेस को दूर करने का काम कर सकता हूं, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो संगठन की हो। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे सरकार संगठन और आम जन के बीच में कड़ी का काम करने का मौका मिला, इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य हो सकता।
जब ये काम मुझे दिया गया तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे से बहुत लंबी मंत्रणा की, मंत्रणा इस तरीके की कि मुझे उन्होंने कहा कि मोदी इस डिपार्टमेंट का जो पहले पूर्व अध्यक्ष था उसके बड़े किस्से प्रचलित थे और वो किस्से जिस तरीके के प्रचलित थे कि वो आम जनता का काम कम और अपने काम ज्यादा करते थे और अपने काम किस तरीके करते थे वो भी सब जगह जानते हैं। मैं उन बातों को खोल के नहीं जाना चाहता। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि उनका ऑफिस हुआ करता था सीओओ में और वहां पर ना तो कोई आमजन जा सकता था, ना कोई कार्यकर्ता जा सकता था। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, वहां पर पास बनवाने की प्रॉब्लम और उनसे मिलना ही बड़ा दुश्वार होता था। तो सबसे पहला काम हमने ये तय किया, जबकि मेरा ऑफिस वहां पर तैयार हो चुका था, खाली मेरे को ज्वाइन करना था, उसके बावजूद हमने ये मैंने तय किया कि मैं वहां नहीं बैठ के और सेक्रेटरीट की जो मेन बिल्डिंग है उसके अंदर बैठूंगा, जाके आम कार्यकर्ता आम जन मेरे से आराम से मिल सके। फिर हमने एक चीज और तय की, क्योंकि कार्यकर्ता से जुड़ाव वहां बैठने से देखा जाता है कि जितने मंत्री बन जाते हैं या इस तरीके के कामों में सरकार में आ जाते हैं वो संगठन से दूर हो जाते हैं। तो ये तय किया गया कि मैं 2 घंटे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी बैठूंगा, मैं सुबह 12 बजे से लेकर और 1-1.5 बजे तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठता हूं। वहां पर कोई भी कार्यकर्ता आके मेरे से मिल सकता है, अपने ग्रीवेंसेस के बारे में बात कर सकता है, मेरे को अपनी जन समस्याएं जो अगर लाया है कहीं से या उसकी खुद की पर्सनल भी है तो वो भी